भोपाल में 9th क्लास के एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले वो फैमिली के साथ मैजिक शो देखकर मस्ती मजाक करते हुए घर लौटी थी। उसने शो ज्यादा पसंद नहीं आने की बात का जिक्र भी फैमिली से किया था। घर आकर आर्मी से रिटायर्ड पापा को मुस्कुराते हुए चाय दी और कमरे में चली गई, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन भी ऐसा कदम उठाने की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि मृतिका ने 8वीं कक्षा में टॉप किया था। बेटी की आखिरी मुस्कान जीवन भर का दर्द बन गया। पिपलानी में रहने वाले अवधेश प्रतापति सेना से रिटायर्ड हैं। उनकी दो बेटियों में एक बेटे अंशु और दूसरे नंबर की बेटी थी, वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ती थी। रविवार को पेरेंट्स और पड़ोसियों के साथ टीटी नगर मैजिक शो देखने पहुंची थी, जहाँ शाम 5 बजे सभी घर लौट आए। अवधेश ने पुलिस को बताया कि मार्केट जाने से पहले अंशु ने उन्हें चाय बनाकर दी, तब भी वो मुस्कुरा रही थी। वही चाय देकर वो पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे में चली गई और मैं मार्केट चला गया, जहां 2 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर पत्नी उसे बुलाने गई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, अंशु पंखे पर दुपट्टे के फंदे पर लटकी मिली। आनंद फानन में उसे उतार कर अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में एसआई विजय सिंह ने बताया कि बच्ची ने पलंग पर स्टूल रखकर सीलिंग फैन से दुपट्टे का फंदा बांधा और फिर उसे गले में डालकर स्टूल को लात मार दी, जिससे वह फांसी पर झूल गई। प्रारंभिक जांच में सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।